हाय फ्रेंड्स, आपका विनुज रेसिपी में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेसिपी सांभर वड़े की। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने 1.5 कप उड़द दाल ली है, उसे धोकर भिगोने के लिए रख दिया है। इसे मैं 4 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दूँगी। आप देख सकते हैं उड़द दाल अच्छे से भीग चुकी है। इसका छिलका मैं अच्छे से धोकर साफ कर लूँगी। अगर आपके पास बिना छिलके वाली दाल है तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। इससे पहले हम सांभर बनाने के लिए कुकर में सामग्री लगा लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें तुअर की दाल 1 कटोरी और 2 टीस्पून चना दाल ली है। इसे मैं धोकर साफ कर लूँगी। आप देख सकते हैं साफ हो चुकी है। इसमें मैंने मीडियम साइज़ के 2 बैंगन काट कर डाले हैं, 1 आलू खड़ा काट लिया है, 1 टमाटर मैंने इस तरह से काट लिया है, वो भी इसमें ऐड कर लिया है, 2 हरी मिर्च उसको भी काट कर डाल दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसमें 1/2 ग्लास पानी डालेंगे। अब इसे हम कुकर में लगा लेंगे और 3 सीटी के बाद इसे उतार लेंगे। इसके बाद मैं दाल साफ कर लूँगी। आप देख सकते हैं दाल अच्छे से साफ हो चुकी है। अब इसे मैं मिक्सर में बारीक पीस लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने एक मिक्सी पॉट लिया है, उसमें उड़द दाल डाल रही हूँ और इसमें हम 2-3 टीस्पून पानी डालेंगे। आप देख सकते हैं एकदम बारीक पीस कर हो चुकी है। इसे अब अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे 2-3 मिनट इसी तरह हिलाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें अच्छे से हवा भर जाए। आप देख सकते हैं यह पहले से ज़्यादा अच्छे से फूल चुकी है और सफ़ेद कलर भी आ गया है। अब हम 1 कटोरी में पानी लेंगे और उसमें थोड़ा सा डालकर देखेंगे। आप देख सकते हैं ये पानी के ऊपर आ गई है, यानी अच्छे से फेंट कर हो चुका है। अब इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी। अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं यह अच्छे से मिक्स हो गया है। मैंने ऑयल गैस पर गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल गरम हो चुका है। हाथों को थोड़ा सा पानी लगाकर मैं थोड़ा सा पेस्ट लूँगी और उसे इस तरह से लोई बनाते हुए इस तरह से करते हुए हमें बीच में एक होल कर लेना है, इसमें डाल देंगे। इन्हें हम एक साइड में ब्राउन होने तक पकाएंगे और फिर दूसरी साइड में पलट देंगे। आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो रहा है। इन्हें हम बीच बीच में हिला लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। अब देखिए ब्राउन कलर हो चुका है। अब इन्हें हम एक एक करके पलट देंगे। इन्हें हम दूसरे साइड में भी इसी तरह से पका लेंगे। आप देख सकते हैं दोनों साइड से बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। हम इन्हें अब निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बड़े अब बनकर तैयार हो चुके हैं। इसके बाद हम सांभर बना लेंगे। कुकर में मैंने सांभर के लिए दाल पका ली है। आप देख सकते हैं अच्छे से यहाँ ठंडी हो रही है। इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने हिसाब से डालें। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसे राई की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 कप पानी डालेंगे और इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। दाल को हम तड़का लगाएंगे। इसके बाद मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 5-6 लहसुन की कलियाँ डालेंगे और 3-4 सेकंड के लिए ढककर रख देंगे। 1 टीस्पून राई डालेंगे। इसके बाद 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और साथ में ही कड़ी पत्ता डालेंगे। इन सब के बाद 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज अच्छे से तल चुके हैं। इसमें हम 1 टीस्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट डालेंगे और इसे भी अच्छे से तल लेंगे। इसके बाद हम इसमें दाल का तड़का लगाएंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें पूरी दाल डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं
कितना अच्छा सा कलर दिख रहा है। आपको अगर दाल पतली चाहिए तो आप इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सांभर पतला ही अच्छा लगता है। लगभग फिर से मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है, आप अपने हिसाब से डालें। इसके बाद मैंने 2 टीस्पून इमली का पेस्ट डाला है, इसमें मैंने 2 टीस्पून शक्कर डाली है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे उबाल आने तक अच्छे से पकाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है। अब सांभर एकदम तैयार हो चुका है, इसमें हम हरी धनिया डालेंगे। इसके बाद मैं इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालूंगी। फिर से मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब यह सांभर एकदम रेडी हो चुका है। आप इन्हें एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। अब सांभर वड़े एकदम तैयार हो चुके हैं। आपको यह रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।